जय हिंद बच्चों, आप लोगों को आरवीएस स्टडी के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए अभी से लगातार निरंतर ट्वेल्थ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई सभी बोर्ड्स के लिए ट्वेल्थ क्लास का मैथ का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आज के क्लास में वन नंबर क्लास में फर्स्ट लेक्चर में हम लेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसका पूरा थ्योरम खत्म कर देंगे इस चैप्टर में। और फिर नेक्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी बुक का प्रिपरेशन कराएंगे। इसलिए आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। ठीक है, तो आते हैं अब टॉपिक पर। सबसे पहले हम लोग को यहां देखना है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का हम मैंने परिभाषा दिया कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है। देखिए, रिलेशन फंक्शन में पढ़ चुके हैं, प्रतिलोम अर्थात इनवर्स होने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, वन वन और ऑन टू कराना पड़ता है। और वन वन ऑन टू कराने के लिए कुछ मान को नेग्लेक्ट करते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शन को डाला जाता है कि यहां से यहां तक वन वन ऑन टू होगा तो यह प्रतिलोम एग्जिस्ट करेगा। समझ गए? जैसे देखिए, यहां पे मैंने क्वेश्चन लिखा है यहां पर कि कोई fx बराबर कोई फंक्शन है, अगर मान लेते हैं ये sin x है, तो ध्यान से देखिए ये त्रिकोणमितीय फलन हुआ क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आ गया, त्रिकोणमितीय फलन है। और त्रिकोणमितीय फलन में तो जब इसी का वैल्यू अगर हम f इनवर्स x करें तो यहां भी साइन पर क्या चढ़ जाएगा, फंक्शन पर इनवर्स चढ़ जाएगा। इसको कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। लेकिन एक बात है कि प्रतिलोम होने के लिए x का वैल्यू ऐसा होना चाहिए ताकि फंक्शन का मान वन वन और ऑन टू, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रतिलोम अर्थात इनवर्स कब होता है, जब फंक्शन वन वन और ऑन टू होता है। बात सही है ना? ठीक है, तो वन वन ऑन टू होने के लिए त्रिकोणमिति में इतने सारे डोमेन और रेंज दिया जाता है। जैसे साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स का जो होता है वो डोमेन अर्थात प्रांत और परिसर क्या होता है, प्रांत माइनस वन टू वन, इतनी वैल्यू होता है साइन का, जिसका रेंज होना चाहिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो ये रेंज आप लोग देख लीजिए अच्छे से और राइट कर लीजिएगा और याद भी कर लेना है, लेकिन याद मैं करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कैसे? साइन इनवर्स और साइन का उल्टा कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। साइन इनवर्स साइन का उल्टा क्या बोले, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इन तीनों का रेंज होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। याद हो गया? माइनस पाई बाई टू से क्या बोले, पाई बाई टू के बीच में इन तीनों का रेंज होता है। लेकिन ये क्या है बताइए, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इसलिए दे दिया जाता है क्योंकि साइन टेन इनवर्स अर्थात जीरो की बात करें तो फिर, और इसमें हमें बच गया तीन, कौन, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इन तीनों का रेंज होता है जीरो से पाई। जीरो से क्या याद रखना है, पाई। लेकिन कॉसेक इनवर्स में जीरो को हटा देना है और सेक इनवर्स में पाई बाई टू को हटा देना है इस रेंज में। क्यों पाई बाई टू को हटाएंगे, क्योंकि सेक 90 का मान अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का उल्टा संभव नहीं होता है क्योंकि वो वन वन ऑन टू नहीं होता है, इसी कारण से इसको माइनस करते हैं। समझ में आ गया अच्छे से, ये पॉइंट समझ में आ गया ना? ठीक है, याद क्या रखना है, साइन, साइन का उल्टा कॉसेक और टेन इनवर्स, इसका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जनरल। और बच गया तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका व्युत्क्रम का रेंजेस होता है जीरो से पाई। याद हो गया ना? ठीक है, चले ठीक है, अगला देखते हैं। अब हमें समझना होता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब गुणधर्म। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बोलिए, गुणधर्म, अर्थात इनके उपयोग के द्वारा हम सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर वन, प्रॉपर्टी नंबर वन जिसका एक नंबर क्या है बताइए, साइन और साइन इनवर्स एक्स, साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। लेकिन ये कब होगा, जब एक्स का वैल्यू क्या होगा, रेंज में होगा। तो साइन का रेंज क्या बताए थे, साइन कॉसेक टेन का माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो इसके रेंज में होगा तो साइन साइन इनवर्स एक्स का एक्स होगा। अब रह गया कि बोलिएगा कि इसका प्रूफ करके बताइए कैसे हुआ। तो देखिए ध्यान से, हम प्रूफ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान रखना है प्रूफ क्या करना है, आप लोग भी करिएगा, एक करके बताएंगे। और ये बच गया छह, वो
पांच बच जाएगा, वो पांचों का बनाइए, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बहुत आसान है, देखिए साइन साइन इनवर्स एक्स का एक्स होता है, तो कॉस कॉस इनवर्स एक्स का भी कॉस यानी एक्स होगा, टेन टेन इनवर्स एक्स का एक्स होगा, कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स का एक्स होगा, सबका तो एक्स ही होगा ना, वही बात है। चलिए देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें मानना है लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लेते हैं कैपिटल ए। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लिए? कैपिटल ए। क्यों मानते हैं समझिए, बोलेगा क्यों मानते हैं, तो उसका भी जवाब है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का कोई ना कोई तो वैल्यू होगा, कोई ना कोई तो मान होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको इसीलिए कहते हैं ए मान लेते हैं। अब यहां से जब निकालेंगे तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स से हटके उल्टा सीधा आकर सीधा हो जाएगा, तो x बराबर हो गया साइन ए। x बराबर क्या हो गया, साइन ए। तो बताइए जब x बराबर साइन ए तो हम इसलिए कह सकते हैं साइन ए बराबर भी x है ना, x बराबर साइन ए तो साइन ए बराबर x, सही है ना। अब आगे देखिए इसके बाद, इसीलिए साइन और a, तो a का क्या मान माने थे, साइन इनवर्स x ना, तो यहां पर लिखेंगे साइन इनवर्स x, अब बराबर हो गया x। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर एक का a नंबर साइन इनवर्स साइन x बराबर x प्रूफ हो गया, समझ में आ गया ना, मजा आया ना। और याद रखना क्या है, कॉस इनवर्स कॉस x कुछ नहीं है, x का कॉस का रेंज क्या होता है, इनवर्स कॉस इनवर्स का जीरो से पाई ना, तो x का मान यदि जीरो से पाई के बीच में रेंज में होगा तो सीधे x हो जाएगा, cot cot इनवर्स का भी x हो जाएगा, cosec cosec इनवर्स का भी x हो जाएगा, और tan tan इनवर्स x का भी x हो जाएगा, और sec sec इनवर्स x का भी x हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर एक आप लोग को समझ में आ गया अच्छे से, एक बता दिए एक का a नंबर, बच गया वो पांच को आप लोग खुद करके प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अगला देखिए प्रॉपर्टी नंबर दो। प्रॉपर्टी नंबर हम लोगों को देखना है दो, प्रॉपर्टी नंबर हमें क्या देखना है बताइए, दो देखना है, ठीक है। हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर दो, अब हम लोगों को प्रॉपर्टी नंबर दो देखना है, और प्रॉपर्टी नंबर दो को भी प्रूफ करना है ऐसे ही, और एक कर देंगे फिर आप लोग करिएगा, और याद क्या करना है ये भी देखिए। उसमें था साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, इसमें क्या है कि बाहर में देखिए, बाहर में साइन इनवर्स है, अंदर में सीधा है, बाहर में टेर है उल्टा है, टेर है और ये सीधा है, और इसका वैल्यू एक्स ही हुआ, साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू एक्स, सबका वही बात है, याद क्या करना है तो ऐसे ही याद है कि नहीं, बहुत आसान है ना, ठीक है। अब रह गया प्रूफ करना, चले देखिए यहां प्रूफ कर रहा है दो नंबर प्रॉपर्टी का ए नंबर, दो नंबर का ए नंबर क्या प्रॉपर्टी है बताइए, साइन इनवर्स साइन एक्स और इसका वैल्यू एक्स है ना। हम करते हैं प्रूफ यहां से, लेट मान लेते हैं फिर से, बताइए गोदी में कौन सा बैठा हुआ है, साइन इनवर्स के गोदी में कोना में साइन एक्स है ना, तो मान लीजिए साइन एक्स, साइन एक्स का कोई ना कोई तो वैल्यू होगा, मान लेते हैं ए, साइन एक्स बराबर ए। तो फिर यहां से अगर एक्स निकाले तो ये साइन इधर आकर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, इसलिए साइन इनवर्स ए, सही है ना, साइन इनवर्स ए। तो जब एक्स बराबर साइन इनवर्स ए हो गया तो हम कह सकते हैं साइन इनवर्स ए बराबर भी क्या एक्स कहेंगे, एक्स बराबर साइन इनवर्स ए तो यह भी साइन इनवर्स एक्स ए बराबर एक्स है ना। जैसे मान लीजिए कि हाथी अगर घोड़ा राम के वजन मोहन के वजन के बराबर है तो मोहन का वजन भी राम के वजन के बराबर है, उल्टा हो गया ना। अगर हम बैवानी नहीं कर रहे तो तराजू को पलट के दे देंगे, तौल देंगे तो क्या दिक्कत है, वही बात है। एक्स बराबर साइन इनवर्स ए तो यहां भी साइन इनवर्स ए बराबर एक्स, ठीक है। अब देखिए आगे, यहां से थ्योरम आ गया साइन इनवर्स ए, ए का वैल्यू क्या माने हैं, ए का वैल्यू है साइन एक्स, तो यहां लिखेंगे साइन एक्स, अब बराबर हो गया एक्स, साइन एक्स बराबर ये क्या है एक्स। तो बताइए पहला प्रॉपर्टी यही है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या एक्स, ये प्रूफ हो गया, समझ में आ गया अच्छे से, अच्छे से समझ में आ गया ना। तो बच गया वो पांचों फिर कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर तीन, देखिए सामने है प्रॉपर्टी नंबर तीन, समझ रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर कितना है सामने, तीन है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर तीन, प्रॉपर्टी नंबर तीन का जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं
टेंथ में ही कि साइन थीटा जो सूत्र होता है वो 1/cosec थीटा का होता है, होता है ना, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। और इनवर्सिबल फंक्शन में ट्वेल्थ में जस्ट अपोजिट हो जाता है कि साइन इनवर्स एक्स है तो कॉसेक तो वैसे ही रहेगा, उल्टा नहीं होगा, बस वैल्यू जो बटा में एक है ये इसका एंगल उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/x हो जाएगा। अगर इसी तरह से बात करेगा कॉसेक इनवर्स एक्स तो बोलेंगे साइन इनवर्स 1/x। तो बताइए ऐसे तो 6 गो हो जाएगा ना, वही 6 गो यहां पे दिया गया है, एक का उल्टा दूसरा, एक का उल्टा दूसरा, तीसरे का उल्टा, फिर है ना। अब क्या करना है, एक फॉर्मूला इसको भी प्रूफ करना है, तो मैं कर रहा हूं, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, अच्छे से देखना है, हर एक फॉर्मूला करके दिखाऊंगा, सबको प्रूफ कर देंगे, एकदम खलास कर देना है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में पूरी प्रॉपर्टी को क्लियर कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं एनसीईआरटी बुक का एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, इसलिए आप लोग बने रहिए, अच्छे से समझना है और इस क्लास में क्लास को जरूर ज्वाइन करना है। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट आ गया, हमें प्रूफ करना है, और प्रूफ करने में सबसे पहले ए नंबर को करते हैं, किसको करते हैं, ए नंबर को, और ये वैल्यू हो गया साइन इनवर्स एक्स बराबर, बताइए क्या बताए हैं, कॉसेक इनवर्स 1/x। अब देखिए हम इसको प्रूफ करते हैं कैसे, कितनी चालाकी से और कितनी निर्भीकता से इसको प्रूफ करते हैं वो देखिए और सीखिए, मजा लीजिए, बस थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, है ना। तो देखिए सबसे पहले हमें करना है लेट साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स को ए, साइन इनवर्स एक्स को क्या मानते हैं, ए मानते हैं। अब समझिए यहां से, तो इसीलिए एक्स बराबर क्या होगा, तो ये साइन इनवर्स से इधर आएगा, तो पहले बता दिए उल्टा से क्या सीधा, किसी आदमी को एक बार उल्टा कर दीजिए और फिर से उल्टा कीजिए तो क्या हो जाएगा, सीधा ही ना होगा, वही बात है। तो साइन इनवर्स इधर आके हो गया एक्स बराबर साइन ए, एक्स बराबर क्या हो गया साइन ए, एक्स बराबर क्या हो गया बोलिए साइन ए, ठीक है। अब हमें बताना है कि साइन ए अगर हो गया तो हम इसको कह सकते हैं साइन ए बराबर एक्स, चूंकि एक्स बराबर साइन ए तो साइन ए बराबर एक्स। अब साइन का उल्टा, इसको उल्टा कर दीजिए 1/sin, ठीक ना, तो नीचे वाला कर दिए ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो इसको भी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दीजिए, तो एक्स बाई वन को 1/x, सही है ना। अब 1/sin का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक ना, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए, और कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर क्या है बताइए 1/x, कॉसेक ए बराबर क्या हो गया 1/x। अब देखिए जब यहां से ए का मान निकालेंगे तो क्या होगा, कॉसेक इधर से इधर आएगा तो सीधा से उल्टा, मतलब इनवर्स चढ़ेगा, मतलब कॉसेक इनवर्स 1/x होगा, और देखिए इसी प्रकार से मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया, देखिए है ना, फॉर्मूला नंबर एक प्रूफ हो गया। अब क्या कर सकते हैं मालूम है, इस तरह से हम फॉर्मूला नंबर दो, फॉर्मूला नंबर तीन सब प्रूफ करेंगे, सब तो यही होगा ना, ऐसे ही प्रूफ होगा, समझ रहे हैं ना, अच्छे से समझ में आ रहा है, मजा तो आ रहा है ना, हाँ तो मजा आएगा ही, बस देखना है, इंतजार तो करना है, अपना भी टाइम आएगा, वैसे ही अपना टाइम आएगा, और फाइनल एग्जाम में, इंटर के एग्जाम में 100% यानी 100 में 100 मारना है मैथ में, है ना। तो पूरा कोर्स मैं कराऊंगा, इसलिए आप लोग बने रहिए और ध्यान रखिए, धैर्य रखिए, पेशेंस। चलो ठीक, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पर, प्रॉपर्टी नंबर कौन बोले 4, चले ध्यान दीजिए प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, अब सामने है प्रॉपर्टी नंबर 4, इसका ए नंबर में है, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी, 2.1 जो एनसीईआरटी का बुक का पहला चैप्टर है त्रिकोणमिति, अब तो खत्म हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 देख लीजिए, बस धैर्य रखना है, देखना है, सब खत्म होगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स का करना क्या है, पहले समझ लीजिए, याद कर रखने का तरीका, फिर हम प्रूफ तो कर ही देते हैं, मालूम ही है कि प्रूफ करने में तो है ही अब्बल, तो वही बात है, प्रूफ सब फॉर्मूला करेंगे, बस पेशेंस रखना है और ध्यान देना है। पहले याद रखने का ट्रिक बताते हैं, साइन इनवर्स अगर माइनस एक्स गोदी में चढ़ा हुआ है ना, तो आप सीधे सीधे गोदी में जो है ना माइनस, उसको आगे ले आइए, उठा के पटक दीजिए, गोरा टूटना चाहिए तब ना क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स और सिंपल एक्स हो जाएगा, और टेन इनवर्स माइनस एक्स का माइनस हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स का माइनस हो जाएगा। अब बताते सुनिए, याद रखने के लिए मैं आप लोग को बता चुका हूं कि साइन और टेन और कॉसेक, ये जो तीन देख रहे हैं, इन तीनों का रेंज होता है -π/2 से π/2, समझ में सब आएगा, ध्यान रखिए बस, इसका रेंज क्या होता है -π/2 से π/2,
और ये तीन का रेंज क्या होता है, जीरो से पाई, बता चुके हैं ना, अभी जस्ट याद करवाए थे, बस उतना ही तो ऐसे लाइक याद करना है, रिमेंबर करना, बस त्रिकोणमिति खत्म, ट्वेल्थ का कुछ है ही नहीं। अब देखिए जब ये याद कर चुके हैं तो हमें याद रखना है, अब थोड़ा समझना है कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जिसका रेंज होता है, जिस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है, उसमें जो माइनस रहता है ना गोदी में, उसको उठा के डायरेक्ट आगे कर देना है, पटक देना है, बस आगे कर देना है डायरेक्ट, बस खत्म, याद हो गया। देखिए साइन टेन और कॉस एक का होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इसका माइनस जो अंदर में था वो माइनस अंदर वाला हटा दिए और बाहर कर दिए, हो गया खत्म, याद हो गया ना, आसान लगा ना, ऐसे ही मजा आएगा, अभी देखना है पूरा सत्र। अब देखिए इसका, तो इसका रेंज क्या बताए थे, ये तीन का रेंज होता है जीरो से पाई ना, तो जीरो से पाई होता है मतलब जीरो से नब्बे तक पहला चतुर्थांश में प्लस होगा और दूसरे चतुर्थांश में माइनस होगा, तो दूसरे चतुर्थांश में आएगा कैसे, जब एक सौ अस्सी में से घटाएंगे तब तो ना, इसलिए पाई माइनस करना है, इसमें जिसका रेंज जीरो से पाई होता है उसके लिए पाई आगे लगा देना है, पाई माइनस करके तब कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस क्या सेक इनवर्स एक्स, बस याद हो गया, पाई आगे लगा देना है, खत्म। अब रह गया आप लोग कहिएगा प्रूफ करिए, चलिए ठीक है मैं प्रूफ भी करके दिखाता हूं, आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान रखिए, पेशेंस रखिए, तो सब करके दिखा देंगे, इसी में आप लोग का क्लियर हो जाएगा, कोई खर्चा करने की पैसे की जरूरत नहीं है, है ना। देखिए ए नंबर पॉइंट, सबसे पहले बोला गया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, है ना, जो कि एक्स होना चाहिए माइनस एक से एक के बीच में, तब ऐसा हो, ठीक है, चलिए मान लेते हैं, क्योंकि वो तो रेंज है, प्रांत परिसर है, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब आते हैं प्रूफ करने पर, देखिए प्रूफ क्या, प्रूफ, और प्रूफ करने पर आए तो सबसे पहले हमें मानना है, मानने वाले भाई साहब को तो छोड़ना ही नहीं है, समझे ना भाई साहब, मानने वाले को नहीं छोड़ना है, इसको लेके ही चलना है, तो लेट, और क्या हो गया बताइए, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर मान लीजिए ए, साइन इनवर्स माइनस एक्स को मान लीजिए ए, सही है ना, मान तो सकते हैं ना कुछ भी, इसका कोई ना कोई तो वैल्यू आएगा, इतना आएगा ये तो नहीं माने है, कुछ आएगा तो, कुछ आएगा तो ए आएगा, कुछ भी बी मान लीजिए, हाथी मेरे साथ ही, कुछ भी मान लीजिए, चलो ठीक। अब यहां से माइनस एक्स का वैल्यू निकाले तो साइन इधर से हटेगा तो इधर जाएगा ना, तो उल्टा से सीधा होगा, मतलब सीधे सीधे साइन ए हो जाएगा, बात तो सही है ना, सही लग रहा है ना, सही लगेगा ही, ध्यान तो रखिए। और ये हो गया x बराबर, अगला देखिए x बराबर माइनस हटाएंगे तो ये माइनस आ जाएगा, मतलब माइनस साइन ए। और इलेवेंथ क्लास का एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि साइन माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स, ऐसा होता है ना, साइन माइनस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो देखिए यहां पर माइनस साइन ए है, तो माइनस साइन ए है तो हम इसको कह सकते हैं साइन माइनस ए, क्या कह सकते हैं साइन माइनस ए, चूंकि देखिए साइन माइनस एक्स का माइनस साइन एक्स, इसलिए माइनस आ गया है, तो गोदी में बैठा दीजिए, बच्चा है गोदी में बैठा देते हैं, बाल बुतरुक है ना अभी। चलिए आप देखते हैं प्रूफ, देखना है एकदम आंख फाड़ के देखना है, समझिए अच्छा से समझ में आएगा, साइन को इधर से हटाएंगे तो फिर आ जाएगा इनवर्स, क्या आ जाएगा इनवर्स, है ना, उसके बाद माइनस ए, क्या बचा माइनस ए, है ना। अब आगे आइए, चलिए ए बराबर निकालिए, तो जब ए का मान निकालेंगे तो ये माइनस हटेगा तो इसमें माइनस लग जाएगा, मतलब माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ए का मान क्या माने थे, तो ये माने थे क्या साइन इनवर्स माइनस एक्स, और साइन इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स, सही है, अच्छा लगा ना। तो ये फॉर्मूला एक नंबर, प्रॉपर्टी चार का ए नंबर खत्म हो गया, अच्छा लगा ना, समझ में तो आ रहा है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं, एक और देखना होगा, क्योंकि ये देखिए ये तीनों तो सही है एक टाइप का है, इसमें से एगो प्रूफ करते हैं, समझ रहे हैं, एगो इसमें से हम प्रूफ करते हैं, ध्यान रखिए इसमें से एक प्रूफ करना है, मान लीजिए डी नंबर हम प्रूफ करते हैं, तो डी नंबर क्या प्रॉपर्टी है देखिए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, बता चुके क्यों। अब चलिए आगे प्रूफ देखिए, क्योंकि साथ साथ प्रूफ देख लीजिए, तो प्रूफ में क्या करना है, हमें इसको मानना है, फिर वही बात, मानने वाले भाई साहब को छोड़ना ही नहीं, तो लेट कर लेते हैं, लेट करेंगे क्या वो देखिए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर ए मान लिए,
LHS वाले पूरे लेफ्ट हैंड साइड को मान लिए। अब ये cos इनवर्स हटेगा तो आप लोग को तो मालूम है cos इनवर्स हटता है तो क्या होता है, उधर जाके सीधा हो जाएगा, तो ये हो गया cos A, सही है ना, cos A हो गया। अब आगे आइए, जब x निकालिए तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये माइनस इधर हो जाएगा, माइनस cos A हो जाएगा, सही है। अब cos A माइनस है तो दिमाग लगाइए, माइनस में cos A कैसे आ सकता है, cos A माइनस में आखिर कैसे आता है, माइनस तो यहां पे लगा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को मालूम है कि दूसरे चतुर्थांश में cos का मान क्या होता है, माइनस होता है, और अगर दूसरे चतुर्थांश में लाना है तो इसको कहेंगे 180 माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस ए होता है ना। अब ये cos को इधर लाएंगे तो सीधा से इधर आके इनवर्स हो जाएगा, मतलब cos इनवर्स x हो जाएगा, और cos इनवर्स x बराबर पाई माइनस ए हो जाएगा, सही है कि गलत है बताइए, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है, चले ठीक। देखिए अब हमें निकालना है यहां से वैल्यू, तो ये माइनस में ए है तो बराबर की इधर लाइए तो प्लस में ए हो गया, और प्लस में ए बराबर ये पाई, और ये प्लस में कॉस इनवर्स तो उधर जाकर माइनस में कॉस इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। अब बताइए ए का मान हम क्या माने थे, देख लीजिए ए बराबर क्या माने हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, देखिए कॉस इनवर्स क्या है, माइनस एक्स, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, मेरा प्रॉपर्टी नंबर क्या हो गया, देखिए प्रूफ हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, देखिए मैंने प्रूफ कर दिया, आसान है, समझ में आ गया। प्रॉपर्टी नंबर कितना हो गया, ये चार नंबर खत्म, प्रॉपर्टी नंबर कितना हो गया, चार खत्म हुआ, ठीक है। कितना देर हो गया देखिएगा, ठीक और इसके बाद आधा प्रॉपर्टी आठ पांच नंबर से लेकर और आठ नंबर तक सभी प्रॉपर्टी फिर मैं दूसरे वीडियो में लेकर आऊंगा, इसलिए आप लोग तो जरूर देखिए, कंटिन्यू देखिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब करिए ही करिए, साथ में साथ अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि सबका तैयारी अच्छे से हो पाए, समझ में आ गया ना, क्योंकि लगातार मैं कराने जा रहा हूं। इस बार मैंने यह बीड़ा उठाया है कि ट्वेल्थ का क्लास मैं एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दूंगा मैथ, और 100% होगा, 100 में 100% नंबर आप लोग को आएगा, खाली मेरे बातों पर चलकर थोड़ा तैयारी कर लीजिए मन से, 100 में 100 नंबर लाने के योग्य बन जाइएगा, इसलिए सेकेंड वीडियो भी देखिए, धन्यवाद।